दो चांद इस जहां में, एक वो दूर आसमां में है सनम, एक यहाँ है नजर में मेरे सामने जिगर में, जिसे देख तो रवा में सनम, जिसे देख तो रवा में सनम। थैंक यू। सोमी खान, बहुत ही ब्यूटीफुल आप दिख रही हैं वीडियो में भी, और आप दिख रही थी ब्यूटीफुल, हमेशा दिखती हैं क्योंकि हैं ब्यूटीफुल आप, रही प्यारी, और आपने एक भी बहुत अच्छा किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आप अक्सर करती हैं क्या, एक फोटो के लिए बोल के फिर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवा लेते हैं, तो भी आपने ऐसे कुछ किया? एक्चुअली मैं ऐसा ही करती हूँ, कम से कम 100 पिक्चर्स तो चाहिए होती है, उसमें से एक दो फाइनल सेलेक्ट करती हूँ कि क्या होस्ट करना है। वो भी नहीं होता सर, रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैंने, तुमने कितने क्लिक किया सर मेरे पिक्चर्स? हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। संवेदनशील टॉपिक है, इसको यहीं खत्म करते हैं। सो सोमी खान, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस गाने में? मेरा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली थैंक्स टू रीना मैम एंड दीपक एंड अनूप सर, इतना प्यारा गाना, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट शूट था और सीरियसली नहीं पता था कैमरे पे कैसे वर्क करना है, कैमरे में कैसे देखते हैं, कैसे रोमांस करना है, हम लोग खुद ही आपस में ही शर्मा रहे थे कुछ शॉट लेने में, फेस को नहीं आ रही थी शर्म। और फिर हम लेकिन हारीना मैम ने काफ़ी बूस्ट किया और सुनील सर ने बहुत सिखाया, हमारे कोरियोग्राफर सौरभ उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें बताया कैसे देखना है, कैसे स्माइल करनी है, कैसे एक्ट करना है। तो रिजल्ट तो बहुत ही प्यारा है, काफी देर तक तालियां बज रही थी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि तालियां बजाएंगे, बहुत सारी तालियां अपना बज रही थी। वेल, अब मैं देरी ना करते हुए पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रीना मेहता जी को, एक बार फिर से इनके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। ये डॉक्टर रीना मेहता जी, जैसे मैंने बोला डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से है, ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं इनके साथ में और उन जिम्मेदारियों को निभाती हैं बखूबी, और उसी के साथ में शौक है बहुत ही अच्छा वाला एज अ सिंगर, और ये सिंगिंग भी करती हैं, और सिंगिंग आपने देखी चुका, लेकिन एक टैलेंट था जो कि मुझे थोड़ा सा पहले नहीं मालूम था, वो अभी गाना देखकर, आपने डांस भी किया, डांस इतना प्यारा किया, ये मुझे नहीं मालूम था कि डांस भी अच्छा करती है। एक्चुअली जब हम स्कूल में थे तो हमने विशारद करी थी भरतनाट्यम में, और उसके बाद हमने फिर मेडिकल प्रोफेशन में आए, इतने बिजी हो गए तो हमने छोड़ दिया, और जब हमने अपनी डॉटर को डांसिंग स्कूल में डाला तो हमने फिर शुरू किया था डांस करने के लिए। इतना शूटिंग के दौरान जब कोरियोग्राफर सौरभ जी लड़कियों को डांस सिखा रहे थे और वो बोले थे कि ये सरगम में डांस कर दो, तो उन लोग कर रहे थे लेकिन कुछ जम नहीं रहा था, और मैं बैठ कर देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि कैन आई शो यू द स्टेप्स, सो ही सेड व्हाई नॉट, कैन यू, आई सेड यस, एंड देन तीनों गाने अभी तक देखें, तीनों गानों की सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और बखूबी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में गाना गाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने डांस भी किया, वो देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने पहले भी काफ़ी गाने गाए हैं, काफ़ी सारे गाने और इनके आने वाले हैं,